नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन GS पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में R&D जो हुई है वो सरकार की तरफ से करवाई गई है, पब्लिक फंडेड रिसर्च हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने हमारे देश में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया शुरुआती सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन धीरे धीरे ये हमें महसूस होना स्टार्ट हो गया कि सिर्फ सरकार अगर R&D पर फोकस करेगी तो काम नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट लेना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो नई शताब्दी के स्टार्टिंग में हमने प्राइवेट सेक्टर को समझाना स्टार्ट किया, उनको इंसेंटिवाइज करना स्टार्ट किया कि आप भी R&D पर फोकस कीजिए, आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाइए। तो 2004-05 में प्राइवेट सेक्टर 28% रिसर्च पर स्पेंड करता था, मतलब टोटल हमारे देश में R&D पर जितना स्पेंड होता है उसका 28% किया जाता था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। 2016-17 में ये बढ़ के हो गया 40%। जबकि देखो, जो डेवलप कंट्रीज हैं या फिर कहें एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा फोकस करता है R&D पर, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बजाय कि पब्लिक सेक्टर। इंडिया वैसे भी R&D पर काफ़ी कम स्पेंड करता है दूसरे बड़े देशों की अपेक्षाकृत, फॉर एग्जांपल चाइना एंड USA। इस इतिहास को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक 40 करोड़ का फंड इस्टाब्लिश करने जा रही है ताकि R&D में प्राइवेट कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज किया जा सके, इंसेंटिवाइज किया जाएगा इंडियन फर्म्स को और फॉरेन कंपनीज जिनकी इंडियन सब्सिडरीज हैं उनको, कि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में साइंटिस्ट को फंड करें। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये वैसे पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है R&D के लिए। जब स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे तब भी सरकार ने कोशिश की थी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें साइंटिफिक रिसर्च में, वो पैसा इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में ताकि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा हमारे देश में डेवलप नहीं हो पाई, मतलब इन मिशंस के अंतर्गत जो उम्मीद की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी फोकस करेगा रिसर्च पर, वैसा नहीं हो पाया। हमारी देखो ज़्यादातर जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ही इन्वेस्ट साइंटिस्ट पर होती है, मतलब वो साइंटिस्ट जिनका नाम बड़ा होता है उनको रिसर्च का पैसा ज़्यादा मिलता है और वो भी कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में, जैसे IIT, IISc, ये जो बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर कुछ जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको रिसर्च का पैसा ज़्यादा मिलता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे छोटे साइंटिस्ट होते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अगर उनको फंडिंग मिले तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं, बट उनको रिसर्च का पैसा नहीं। अभी देखो फिलहाल ना तो प्राइवेट सेक्टर की इतनी कैपेसिटी है कि वो साइंटिस्ट को एब्जॉर्ब कर सकें, उन्हें फंडिंग दे सकें, और ना ही रिस्क लेना चाहता है प्राइवेट सेक्टर। तो जब तक गवर्नमेंट ज़्यादा प्रयास नहीं करेगी प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, जब तक स्मॉलर लेवल पे कोऑपरेशन नहीं इस्टाब्लिश होगा सभी स्टेक होल्डर्स के बीच, चाहे वो कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, या फिर विभिन्न लेबोरेटरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच छोटे लेवल पर ज़्यादा कोऑपरेशन अगर नहीं होगा तो हम रिसर्च के मामले में पीछे छूट जाएंगे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे देश में डेवलप नहीं हो सकेगा। और फ्यूचर जो प्रॉस्पर्टी है वो देखो इसी बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा देश अच्छा खासा फोकस करता है R&D पर, कौन सा देश टेक्नोलॉजीज को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।